कैसे जो को मिलाएगो और कैसे है रोवे चेहरा तिरो मलिन महाराज बताते हैं तुम्हारी आंखों से आ जाएगा पानी। क्या बात है ऐसी? सुनो मैं बताती हूँ। बताइए। पिता र मैया अरे गए पिया गंगा नहान को तो गंगा मिली मैया को अरे नाय अरे हो के देख कराए ले पिया बा सरवतिया ने अरे मैया चकुला से डर रही कंपिल में तार रे कोई चाचा बान अरे बट रहे हैं मूंज के अरे जी कौन पढ़ा बता कहानी मेरे लिए देखे
सुन जन्म कोई जग दुनिया में कहते गाले बाबुल को माता मेरी रानी ऐसो कोई जनु है गोरी नाय कहते कराए दे मेरे मैया बबोला की अरे पलम बागड़ गंगा पे अच्छा देगा बाजो रे चाचा को ऊपर को देगा ऊपर रह गो सामरिया कछो जादू से पिसानी नाए पलम बागड़ गंगा पे अरे पे ये सूरज नेरी मैया ने सूरज नेरी मैया ने हम का सियार लेली अवतार देख जिंदो न जाएगो कोई कोट कम पे लपे जो सैयाद करे रे करार सच है के जो भी खबर आती है वो आपके पास आती है कचहरी में और क्या मैं तो महलों में रहती हूँ पर महाराज मेरे पास खबर और ट्यूशन कोई नहीं पढ़ाता है और फिर का बात है उसमें कारण मैं बताऊंगी आपके लिए का कारण है बता सुनो मैं बताती हूँ बता मैंने सपनो यारे देखो पिया मैंने चारे अरे बच्चे अरे मैया सपने में बताई गई गंगा को हाल ए का देखो सपने ए माँ ने मेरे लिए चार बजे पे श्रेयात लंग बैठ करके सपना दिया था तो तेरे लिए सपने है तो मुझसे कहने लगे बेटा हमारे लिए गंगा नहाने को नहीं मिली हमारी कैद हो गई है कंपिल में तो महाराज ये सपने की बात थी जो मैंने बताई सपने की बात है सासु की कौन ने बर्रा पर ये सो खेती बात को बताऊंगा बना महाराज मेरे सपने तो साचे बैठते हैं और तेनो के सपने कौन सच्चे ना होता है तो मेरे सपनों की जांच करा सकते हो पता किनते जांच कराए बांदी से करा सकते हो ए बांदी रात तूने कोई सपना देखा हाँ महाराज रात मैंने सपना देखा था ले न्यू देखो तुमने क्या देखो अरे मैंने ऐसा सपना देखा था कि रात सपने में 35.5 बच्चे हो गए तो तुम्हें तो भगवान ने जगह बहुत दे दी महाराज इस सपने की बात थी जब सुबह को आंख नहीं खुली ना हाँ। तो मूछटा की पूछ उड़ाई रही और ये तो सपने की बात है ना 35.5 समय तो मूछटा की पूछ ना सपनो देखो महाराज मैंने अच्छा महाराज ये बांदी झूठ बोलती है अब सच कौन बोलेगा मंत्री से भी करवा सकते हो ए मंत्री रात आपने कोई सपना देखा सपने फपने तो हम जानते हैं तुम क्या जानते हो हम तो जानते हैं देसी भाषा में बर्रा ए बर्रानो बर्रा। तुम क्या बर्राने रात बर्राने रात ना बर्राने और कब बर्राने जैसे ही दोपहर में ढोला भाव हाँ तो हमने अपने मन में सोची भी ना आज रात वाले ढोला में हम बर्रांगे साले सोच के ना बर्रा बता सोच के ना बर्रा तो सपने टोमेटो आते मैं तो मन में विचार करके बर्रा तो विचार करके कबू ना बर्रा था अचानक बर्रा था मैं तो विचार करके ही बर्रा था मैंने विचार करो अपने मन में जैसे ही भाई साहब बाबा असकूल में घुसे असकूल में स्कूल में स्कूल में तो महाराज गद्दा पीछे भाई वहाँ पंखा चल रहा हाँ। नेक लंबे लंबे भाई गद्दा पे और नेक नींद को झोटा और बर्राने शुरू फिर और तुम सोए कहाँ रहे वैसा मस्ताना स्कूल में का बनो हो मालूम है तुम्हें आखिरी यात्री सेट है वो
तो महाराज बर्राते 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 एकदम बन गए नरेंद्र मोदी। तुम और मैंने काम काम पिता छेड़ दे। मैंने कहा जा पलाई में जेते खरंजा सब तुरवाओ खींच करवा। तुमने कही जेते बिजली के खम्मा सब उखड़वा मोमबत्ती जन्न जन्न। उल्लू के पट्टे खम्बे उखड़वाएगा और मोमबत्ती जलवाएगा, इससे क्या फायदा है? हाँ मोमबत्ती से ही फायदा है। का जहाँ बालक एते बड्डे हो जीते में जन्म भर से रह रहे हो बाने ये तो बड्डे हो जीतो ना देखो और कहूँ ऐसो जरा दे तो भूल हो और अब क्या था लेट में जर रहा हुआ और लेट में और लेट में अगर जो सफेद वारो छोड़ के कहूँ पियरो वारो पकड़ लो तो घंटना ही तरह लटक गो। ये बात तो सही है। और मोमबत्ती से नेका जरे हो ठीक तो है ले हो। ये बात सही है। और खरंजा में और खींचे में फायदा है हमें मालिक के महाराज गांव गांव ठेका या ठेका ना है तहाँ बिले कैसे मिल करी है अच्छा सिगरी रात न बीड़ी भीख मांग मांग के पिए नहीं पर है मगर पहुआ है जुगाड़ जरूर करेंगे यार कैसे लिखा जाते यार सवेरे से बच्चो गड्ढे पर वही है उतार भी ना है बहू मूडम पी रहे ये यार घर ये लिखा जा 3 किलो गेहूँ चुरा लो आज 3 किलो गेहूँ चुरा लो तो कहते कह जाएंगे महाराज 60 के हाँ ब्लैक में 20 के भी लेते ज्यादा ना लेते तेज ना लेंगे और 15 ही समझो घू सवारी सौदा ऐसी ले जाती है। अब बात 60 के बन ले 20 रुपया हिसाब से वो आ रहा 75 को फिर 15 रुपया ही कमी तो हो रही जो तुम्हारे मुंह पर छुलका कैसे उड़ रहा है देखिए कितु आग लग गई फिर लाल लाल जीतू है रो फिर शिकारपुर में तो ना लग गई महाराज चाहे चाहे ब्राह्मण में पूजन तो हारे तो मैया को बीते अरे अभी तक देखने को मिली है बुरे हत मोरे मेरी कैसे छोड़ी गंगा वो जन्म हारी अरे जी बताए दो कहानी तो आंखों में भर लाओगे। क्या बात है सी महाराज तुम्हारी मैतारी 12 साल बनियों में बिपता इतना अच्छा चला था में पूरी नरवर में आई क्या करे भैया बहुत ही दम लगा रहे हैं जब जो ही दम ना दे तो हम तो मरे भले जाए हमारी बात छुप बन जाइए थी ये थी मत जाओगे तो यहाँ बहुत बैठे हाँ जरा बना साले बटियाल में तो डोल गया है रवा महाराज हाँ जब तुम्हारी मां नरवर में आई तुम्हारे पिता ने अगारी घेर करके
कहा था कि रानी मंजा मुझे पेट भर भोजन 12 साल से खाने को नहीं मिला। हाँ, जब से तुम मिल करके गई हो तब से मुझे पेट भर भोजन नहीं मिला है। आज मुझे भोजन खिला बना करके तब महलों के लिए जाना। फिर क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने इनकार कर दिया कि महाराज मैंने 12 साल व्यतीत करी है, मेरा गात जल्लादों ने छुआ है, मैंने नीच घर पानी पिया है, ऐसे तुम्हें भोजन नहीं खिलाऊंगी। और कैसे खिलाऊंगी? फिर मुझे हरण द्वार हर की पैरन पे गंगा नब्बा गोता लगवा 200 से उद्धार करा है, तब तुम्हें भोजन बना के खिलाऊंगी। ऐसी मन की मौज एकदम जिद में आके प्रथम ने कटीली सजवा दी, बातों बातों में ही लगाए फेरा, जाते जाते लगा दिए गंगा पे रावटी। तुम्हारे पिता ने हमारे लिए बुलवाया कि पंडित जी शुभ पर्व तरने वाला पर्व है, वो कै बजे का है? तो महाराज मैंने गृह को काट के पत्रा को खोल के मैंने बताया था जो 4 बजे गंगा नहाएगा वो तर पैकुंठ धाम को जाएगा। तुम्हारे पिता ने मंत्री को बुलवाया, इस बात का डंका बजवाया कि सबसे पहले रानी मंजा नहाएगी, उसके बाद जब संसार नहाएगा मंजा रानी से पहले नहाएगा वो नरवर की सजा 10,000 रुपया जुर्माने के दे के जाएगा। उसी तरीका से मनादी पीटता हुआ चपरासी गंगा की पार पार चला गया। महाराज कोट कंपल का फूल सिंह पंजाबी दिल को लड़ते जिंद रात को संग लड़ती थी, काली मार मार के सैकड़ों गढ़ कर दिए खाली, हल्ला फैलो 14 जोश नर और नारी मन में डरपते पंजाबी को नाम हो लाखन। उसकी बेटी संग सरवती आई, कहने लगी पिताजी ये किस बात का डंका लग रहा है, गंगा कैसा बड़र बड़र हो रहा है? तो उन्होंने कहा था रानी मंजा पतिव्रता स्त्री है, वो 200 से उद्धार होने के लिए आई है, सबसे पहले नहाएगी, उसके बाद जब संसार नहाएगा मंजा से पहले नहाएगा वो नरवर की सजा 10,000 रुपया जुर्माने के। नहीं, इस डंका को बंद कराओ, मेरे नाम का डंका बजवाओ, मैं चाचा जादूगरनी हूं, अगर मैं नहीं नहाऊंगी फिर नहाएगा ही कौन? मेरी जादू तो बेकार है, मेरी पढ़ाई बेकार है, इस बात का डंका लगवाओ कि सबसे पहले बेटी सरवती नहाएगी, उसके बाद जब संसार नहाएगा सरवती से पहले नहाएगा 50,000 रुपया जुर्माने के कोर्ट कंपल की सजा आएगा। तुम्हारी मैतारी जल में पहले गोता लगा ना पाई, सरवती ने जादू के जोर से जल ही जल में चुराई, तेरा के लिए ले गई थी, मानस बना लिया, मंजा देखती पंजाबी के लिए रो गई किल्ली मार करके, रोने की आवाज तुम्हारे पिता के कानों में आई, लेकर के फौजे तुम्हारे पिता ने करी फेंका तलवार बजी गंगा पे सारत मोए बतैया रे मोए माल में है जय गंगा की मेरे दिल को धीर बंधियो रे तो के सुर नहानो धोनो भोए के बाई गंगा के दरमियान मेरे बातल बातल अरे राजन बतबल बड़ी गो और गंगा पे ठन गई रार, अरे हो ते गलड़ाई चाचा ना हारे, अरे जादू से परी ना गंगा पे हाकिम पे सरे तई दंड बांध ले बाबेरी पंजाबी ने अर्ची। Daddy, now.
वो घट कर दई उस गंगा पे जो किसी ने करी नहीं हो। क्या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जादू चलाए कई मंत्र रखिया ने।